विश्व में बढ़ते पॉल्यूशन से ऐसा नहीं है कि हम ही परेशान हैं। विश्व शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक इस पॉल्यूशन की चपेट में है। पर पॉल्यूशन जितनी तेजी के साथ हमारे देश और दिल्ली में अपने जहरीले पैर पसार रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बढ़ते पॉल्यूशन की रोकथाम के उपाय बताने वाली संस्था CSE में शोधकर्ता का कहना है कि अब तक पॉल्यूशन को लेकर कई रिसर्च हुए, सरकार को उसके उपाय भी बताए, पर कुछ को सरकार ने नहीं माना तो कुछ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए, जो नए आंकड़े आए हैं तो ये साफ दिखाता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो आज भारत में जो शहरें हम देख रहे हैं, जो बहुत ही 14 टॉप 20 है, वहाँ पर सिर्फ जो बड़े बड़े शहर हैं वही नहीं, उनके साथ साथ जो छोटे शहर हैं, जो सेकेंड रंग सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है और दिल्ली से भी ज़्यादा है। शहर में बढ़ते पॉल्यूशन के बारे में ऐसा नहीं है कि सरकार अनजान है, सरकार को कहीं बेहतर मालूम है, पर उसके बावजूद सरकार ने अपनी आँखें बंद कर रखी हैं। डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से आज ज्यादातर लोगों में दमा, कैंसर और मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं। यही नहीं, आने वाले वक्त में होने वाले जनरेशन में हर तीसरा बच्चा तमाम बीमारियों से पीड़ित होगा। इन सब के पीछे सरकार की वो नीतियां हैं जिससे सरकार वक्त रहते निपटाना नहीं चाहती। पहली बात, उस स्टडी में बताया गया है कि जो पूरे दुनिया में 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से 14 हमारे देश में है, और दिल्ली का इन 14 देशों में रैंक छठा है। मतलब दिल्ली के ऊपर भी कानपुर, फरीदाबाद, गया जैसे शहर हैं। तो इससे दो चीज़ें पता चल रही हैं। एक, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमेशा हम देखते हैं कि जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पर ही ज़्यादा फोकस रहता है, आम जनता का भी, मीडिया का भी, सरकार का भी। लेकिन माजरा ये है कि जो छोटे शहर हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ग्रीन पीस के एक रिसर्चर का कहना है कि WHO ने 135 शहरों की लिस्ट सौंपी है, जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल 325 काम करती है। इसका कहना है कि सरकार पॉल्यूशन जैसे मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है। 2015 में जितने भी थर्मल पावर प्लांट, उन पर नेट्रो सिस्टम लगाना था, पर जो अभी तक नहीं लग पाया। देखिए, WHO की ये तीसरी रिपोर्ट है 2014 और 2016 के बाद जो अब की बार आई, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नज़र आते हैं, क्योंकि इसमें पिछली बार से ज़्यादा शहर हैं, भारत के भी और विश्व भर के। और इसमें बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, ये शायद हमारी एक एयरपोक्लिप्स 2 रिपोर्ट हमने जनवरी 29 को इस साल निकाली थी, उसमें 280 शहरों का भारत का डेटा लिया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और उसमें हमने पाया था कि 80% से ज़्यादा शहर जो है भारत के प्रदूषण का जो मानक है 60 माइक्रोग्राम PM10 का, उससे ज़्यादा प्रदूषित हैं, और कोई भी शहर ऐसा नहीं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को मानता है। तो वो डेटा शायद पता था, लेकिन ये जो दुनिया भर के शहरों से जब कंपेयर करके ये दिखाया गया है तो बहुत ही गंभीरता से लेने की इसको जरूरत है। पॉल्यूशन किसी एक की समस्या नहीं है, बल्कि हम सब की समस्या है, और इसका समाधान भी किसी एक के पास नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर सहयोग करना होगा, तभी इस विकराल समस्या से निपटा जा सकता है। नहीं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए और टाइम पास करते रहिए। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।